यूपी के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर टिकी थी, जिसका जिला जज ए के विश्वेश ने फैसला सुनाते हुए अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया। जिला जज ने कहा कि रूल 6-11 लागू होगा, जबकि 7-11 लागू नहीं होगा। वहीं कोर्ट ने माना कि ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने के अधिकार की मांग करने वाली 5 हिंदू महिलाओं द्वारा दायर किया गया मुकदमा सुनने योग्य है। साथ ही इस केस की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में हाईकोर्ट जाने की बात कही है। कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने पर बीजेपी सरकार और पीएम मोदी की जमकर आलोचना की। कांग्रेस सांसद ने कहा कि अगर राजपथ का नाम बदल कर कर्तव्य पथ करना है तो क्या सभी राजभवनों को कर्तव्य भवन नहीं बनाया जाना चाहिए। थरूर ने आगे कहा कि पीएम राजस्थान का नाम बदल कर भी कर्तव्य स्थान करें। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर को कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया था। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि तत्कालीन राजपथ के सत्ता का प्रतीक होने के नाते कर्तव्य पथ को सार्वजनिक स्वामित्व और सशक्तिकरण का एक उदाहरण बना दिया गया है। राजस्थान में गायों पर लंबी बीमारी का कहर लगातार जारी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में करीब 11.34 लाख से अधिक गोवंश लंपी की चपेट में आ चुके हैं। वहीं करीब 50,366 गायों की मौत भी हो चुकी है। वहीं गायों को बचाने के लिए प्रदेश में कई गौशालाओं में देसी नुस्खों से इलाज किया जा रहा है। वहीं इस मामले में जयपुर नगर निगम हेरिटेज की मेयर ने गायों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। मेयर मुनरेश गुजर ने कहा कि वह लंपी का कहर खत्म होने तक पैरों में जूते चप्पल नहीं पहनेंगी। हालांकि मेयर के हवन में बीजेपी ने खलल डाल दिया और जन समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे जयपुर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में हर एक पार्टी प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से पीछे नहीं हट रही। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी चुनावी शंखनाद करने वाली है। बता दें, पार्टी प्रमुख असुद्दीन ओवैसी 14 से 15 सितंबर को 6 अल्पसंख्यक सीटों पर मतदाताओं की नब्ज टटोलेंगे। राजस्थान में बजरी अवैध खनन को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई। अब बजरी के अवैध खनन को लेकर गुड़ा मलानी से विधायक और वन मंत्री हेमा राम चौधरी ने मोर्चा खोल दिया है। हेमा राम ने गहलोत सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बजरी के नाम पर किसी भी तरह की लूट बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं विधायक ने कहा कि उन्हें मंत्री प्रमोद जैन भाया को फोन कर इसकी जानकारी दे दी है। पायलट खेमे से आने वाले विधायक हेमा राम ने कहा कि मेरे लिए सरकार से पहले जनता है। राजस्थान के भीलवाड़ा से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ हाथ में बैनर लेकर SP कार्यालय पहुंची एक महिला ने कहा कि मैं डायन नहीं हूँ, एक आम महिला हूँ, मुझे इंसाफ दो या मौत दे दो। SP ऑफिस के बाहर न्याय मांगने पहुंची महिला का कहना है कि उसके परिवार के लोगों ने उससे मारपीट कर घर से निकाल दिया है। पुलिस से भी शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग झुलस गए। इसी बीच प्रदेश में कुछ इलाकों में हल्की सी मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि झालावाड़ जिले में शनिवार को आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं रविवार की शाम को उदयपुर के टिहरी थाना क्षेत्र में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 4 अन्य झुलस गए। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने भारत में घुसपैठ कर रहे एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक जिले के केसरी सिंहपुर इलाके में पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा की एक घुसपैठिया प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, जिसे BSF ने पकड़ लिया। फिलहाल BSF ने यह खुलासा नहीं किया है कि घुसपैठिया क्यों भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था और उसके पास क्या बरामद किया गया। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा कि राजस्थान आकर चैलेंज करते हैं कि हम आ रहे हैं, कुर्सी खाली करो। वहीं सरकार किसानों की समस्या की तरफ ध्यान नहीं देती और उद्योगपतियों के ऋण माफ करती है। किसान का कर्जा माफ नहीं होता, MSP पे सरकार चुप रहती है। अमित शाह जी आते हैं, आकर चैलेंज करते हैं, हम आ रहे हैं, कुर्सी खाली करो। आकर क्या करोगे? राजस्थान की जनता को आप धमकी देते हैं? राजस्थान वीरों की धरती है। अमित शाह की धमकी की भाषा राजस्थान की जनता को पसंद नहीं आती। आप चुनी हुई सरकार को, चुनी हुई सरकार के मुखिया अशोक गहलोत को
उनके घर में जाकर धमकी देकर ये बताना चाहते हैं कि आप केंद्र की ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के दम पर राजस्थान को डराना चाहते हैं। और आपकी जो भाषा है वो गृह मंत्री की भाषा नहीं है। ये भाषा जिस तरह की आप काम में ले रहे, आपका एक शब्द उस दिन भाषण में भारत सरकार के प्रतिनिधि का नहीं था।